हम सभी के लिए एक ना एक स्मार्टफोन ब्रांड ऐसा जरूर होता है जिसपे हम ब्लाइंड फेथ कर सकते हैं। अब ऐसा ही हर किसी के लिए अलग हो सकता है, लेकिन एक नाम हमेशा कॉमन लिस्ट में रहता है और वो है नोकिया। नोकिया का स्मार्टफोन हम सभी के लिए मोस्टली ज्यादातर पहले बहुत ज्यादा ये रहता था कि इस पे मैं ब्लाइंड फेथ कर सकता हूँ। तो आज हमारे साथ नोकिया ने ये कुछ शेयर करा है, तो चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या क्या देखने को मिलता है हमें। सबसे पहले ये स्मार्टफोन है, इसका नाम है नोकिया G21। दिखने में डब्बे के बाहर अच्छा लग रहा है, देखते हैं और क्या है ये अंदर हमें। वी गॉट योर बैक, देखते हैं नोकिया ने कितना हमें सपोर्ट करा है। तो फिलहाल नोकिया G21 हमारे साथ शेयर हुआ है और नोकिया G21 की अनबॉक्सिंग हम जरूर करेंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा शुरू करते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं, तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग फटाफट शुरू करते हैं। पहले ये स्मार्टफोन मिल जाता है, स्मार्टफोन दिखने में अच्छा लग रहा है, चलिए इसे साइड रखते हैं। ये पुस्तकें हैं जिसको कोई नहीं पढ़ता, यहाँ पे आपको सिम इजेक्टिंग टूल मिल जाता है। उसके बाद ये केस दिया जा रहा है, केस भी अच्छा लग रहा है केस। इसके बाद अब अंदर देखते हैं और क्या है। तो हमें चार्जर देखने को मिल रहा है नोकिया की तरफ से, बहुत अच्छी बात है। 18 वॉट का फास्ट चार्जर ये कहा जा रहा है, इसको हम टेस्ट करके देखेंगे। उसके साथ ये हमें केबल दी जा रही है, तो चलिए फटाफट अब इसके बारे में और जान लेते हैं, इसकी स्पेक्स जान लेते हैं। नोकिया G21 दिखने में तो अच्छा लग रहा है, जो बैक आप इसकी देख रहे हैं ये प्लास्टिक बैक है, देखिए प्लास्टिक बैक है। और फ्रेम भी, जो साइड फ्रेम्स हैं ये भी प्लास्टिक में ही है, लेकिन जो आप कैमरा देख रहे हैं ये ग्लास में दिया गया है। और कैमरा ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, बाकी दोनों लेंस 2 मेगापिक्सल के हैं। उसी के साथ ये जो बैक इन्होंने दिया है ये ब्लू कलर है, थोड़ा डार्क ब्लू है, कलर का नाम है नॉर्डिक ब्लू, लेकिन ये मुझे थोड़ा डार्क कलर लग रहा है, थोड़ा ब्लैक से मिलता हुआ कलर है, तो अच्छा भी लग रहा है। उसके अलावा आपको यहाँ फ्रंट में वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले देखने को मिलती है, आपको वाटर ड्रॉप की तरह कैमरा दिया गया है। फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा इसमें दिया गया है। साइड बेजल्स काफी पतले दिए गए हैं, लेकिन जो नीचे वाला बेजल है, जो चिन बेजल है, ये काफी बड़ा दे दिया, मतलब मुझे लगता है अगर इससे और कम करा जा सकता तो और अच्छा हो सकता था। 6.5 इंच की HD+ डिस्प्ले आपको इसमें देखने को मिलती है और उसी के साथ 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। लेकिन इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि 5050 mAh की बैटरी के साथ आता है, जो कि आपको कम से कम 2 से 2.5 दिन तक की बैटरी लाइफ तो आराम से दे ही देगा। कंपनी का तो क्लेम है कि 3 दिन तक की बैटरी लाइफ आपको मिल सकती है, लेकिन मुझे लगता है 2 से 2.5 दिन की बैटरी लाइफ आपको इसमें मिल जाएगी। उसके साथ इसमें आपको यहाँ पे 3.5 mm जैक भी मिलता है, और 3.5 mm जैक कुछ लोगों के लिए मैटर नहीं करता, किसी को नहीं चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कुछ ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिनको आज भी 3.5 mm जैक की रिक्वायरमेंट है। और देखिए जो स्मार्टफोन नोकिया का जो स्मार्टफोन है, ये नोकिया जो ब्रांड है इस पे भरोसा लोगों को काफ़ी ज़्यादा, पहले तो काफ़ी ज़्यादा था, अभी शायद थोड़ा कम हो, लेकिन ये स्मार्टफोन उन क्रिएटर्स के लिए ज़्यादातर डिज़ाइन करा गया है जो कि अभी नए नए क्रिएटिंग के फील्ड में उतर रहे हैं और कुछ नए फोटोग्राफी करने में इंटरेस्टेड हैं, या फिर वीडियोग्राफी में उनका इंटरेस्ट है, यूट्यूब वीडियोज़ बनाते हैं या रील्स बनाते हैं, तो ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसी के साथ इसमें आपको जो फ्रंट है, ये फ्रंट तो ग्लास का दिया गया है, लेकिन जो बैक आप देख रहे हैं ये बैक टोटली प्लास्टिक है, और साइड फ्रेम्स भी प्लास्टिक में ही दिए गए हैं। यहाँ पे आपको साइड में, राइट हैंड साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर पावर बटन में ही दिया गया है, वहीं पे आपको वॉल्यूम अप एंड डाउन के बटन भी दिए गए हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आपको यहाँ सिम स्लॉट दिया गया है, और साथ ही यहाँ पे आपको एक और बटन दिया गया है जिसकी मदद से आप गूगल असिस्टेंट को एक्टिव कर सकते हैं। तो ये काफ़ी एक अलग सा फीचर आपको मिल जाता है। जो कैमरा की अगर मैं बात करूँ तो कैमरा कटआउट ओवल शेप में है, 50 मेगापिक्सल का मेन है, और आपको यहाँ पे जो फ्लैश लाइट है वो कैमरा कटआउट के अंदर ही दी गई है। कैमरा कटआउट काफ़ी कम दिया गया है, मतलब बम्प उसका काफ़ी कम है, काफ़ी पतला बेजल बनाने की कोशिश करी गई है, जो कि एक अच्छी बात है। यहाँ पे नोकिया की ब्रांडिंग है, नीचे यहाँ पे कुछ ज्ञान लिखा है, वो आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। उसके अलावा मैं फिर से वही रिपीट करूंगा कि यहाँ पे जो बेजल है, अगर इसे थोड़ा और पतला करा जा सकता तो ये स्मार्टफोन और ज़्यादा क्लासिक लग सकता था। खैर, ऑन दिस नोट, ये स्मार्टफोन दिखने में फर्स्ट लुक में अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है एक मिड रेंज सेगमेंट में, जिनका बजट थोड़ा कम है और लेना चाहते हैं अच्छा स्मार्टफोन, और वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी में थोड़ा इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है।
तो अब आपको ये स्मार्टफोन कैसा लगा ये आप हमें कमेंट के सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करना ना भूलिएगा और शेयर जरूर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आप हम पे भी भरोसा पूरी तरह से कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।